और इस खास पेशकश को शुरू करने से पहले हम आपको एक बेहद अहम तस्वीर दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये यूपी के बलिया की है, जहां वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी टीम पहुंची तो बवाल हो गया। तस्वीरें जरा देखिए, वैक्सीन के डर से एक युवक पेड़ पर ही चढ़ गया। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कोविड टीकाकरण के डर से पेड़ पर चढ़ा तो एक युवक कोविड वैक्सीनेशन करने पहुंची टीम के साथ उठा पटक कर रहा है। हालांकि दोनों को समझाने के बाद टीका लगा दिया गया। ये तस्वीर भले ही देखकर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये तस्वीर कोरोना से जुड़े एक अहम विवाद का हिस्सा है, जो किसी गांव या शहर तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस बात पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एकदम ताजा वाक्य है टेनिस स्टार जोकोविच का, जिन्हें वैक्सीन ना लगवाने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ओपन छोड़कर जाना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये खास रिपोर्ट। एक युद्ध चल रहा है, लड़ाई है विज्ञान की विश्वास के खिलाफ। विश्वास एक तरफ है जो कहता है वैक्सीन जरूरी नहीं, विज्ञान दूसरी तरफ खड़ा है जिसका मानना है वैक्सीन से ही महामारी कंट्रोल होगी। तो जीतेगा कौन, किसका तर्क बड़ा है, किसकी तरफ कुदरत है, किसकी तरफ मनमानी वाली जिद। मशहूर टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच कई दिनों तक चली लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की धरती से खाली हाथ रुखसत हो गए, क्योंकि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और ऑस्ट्रेलियाई अदालत में वो केस हार गए, जिसके बाद उनका वीजा रद्द करके वापस भेज दिया गया। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगवाने को जरूरी किए जाने के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है, नारे लग रहे हैं हमें वैक्सीन लगवाने पर मजबूर ना किया जाए। बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो वैक्सीन को ज्यादा वैज्ञानिक नहीं मानते। उनका कहना है कि हमारे शरीर के अंदर क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, इसका फैसला हम खुद करेंगे। अब एक आम सोच क्या कहती है, हमें अगर कोई बीमारी होती है हम क्या करते हैं, बीमारी का इलाज, बीमारी के लक्षणों के साथ हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ज्यादा गंभीर हालत होने पर अस्पताल जाते हैं, फिर शुरू होता है हमारा इलाज। हमारा इलाज हमारे अंदर मौजूद लक्षणों के आधार पर किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में वैक्सीन कहाँ है, और अगर वैक्सीन की जरूरत कहीं है भी तो उसे लगवाना ना लगवाना हमारी मर्जी पर क्यों नहीं होना चाहिए। आज तक किसी भी वायरस के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक दवाई बनी ही नहीं है, इसलिए हम सारे कॉकटेल ही यूज करते हैं अगर हम देखें। लेकिन वैक्सीन की वजह से हमने बहुत सारी बीमारियों को इरेडिकेट भी करा है और बहुत सारी बीमारियों को रोक के भी रखा है। छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों करवाई जाती है, इसीलिए ताकि उनको इन फ्यूचर ना तो बीमारियां लगे, और अगर लगे भी तो उनके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए वैक्सीन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जबकि जब कोई नई बीमारी होती है तो हमें दोनों को साइड बाय साइड लेकर ही चलना पड़ता है कि इलाज के साथ साथ हम उसकी वैक्सीन भी ढूंढें, ताकि हम लोगों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, जो बचे हुए लोग हैं उनको भी बचा सकें। कोरोना सांस से जुड़ी एक महामारी है। इससे पहले सार्स और मर्स नाम की बीमारियों का लंबा सिलसिला पूरी दुनिया में चल चुका है। फिर सवाल ये उठता है कि जब सार्स और मर्स जैसी बीमारियों की वैक्सीन तक नहीं बनी तो कोरोना के साथ इतनी मेहरबानी क्यों? क्या कोरोना इस वक्त सामने आया जब वैक्सीन डेवलपमेंट की नई तकनीक अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में मौजूद हो गई कि आप 3 से 6 महीनों में किसी भी बीमारी की वैक्सीन बना पाने में सक्षम हो सकते हैं? यानी ये तकनीकी सहूलियत है न कि वैज्ञानिक जरूरत। एक पक्ष ये कहता है, दूसरा पक्ष हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले देख लेते हैं ये एक्सपर्ट एडवाइस। 2019 में जब कोरोना स्टार्ट हुआ दिसंबर में, तो हमारे पास ऐसी कोई वैक्सीन नहीं थी। हमने भी दवाइयों के साथ ही स्टार्ट हुए थे, तो दवाइयां जब हम बनाते जा रहे थे हमें भी पता था कि जो भी वायरस आता है, जो भी वायरस की अगर इंस्टीट्यूट हो, तो जैसे जैसे हम दवाइयां बनाते हैं वायरस अपनी स्ट्रक्चर को भी चेंज करता ही रहता है, तो जो उस दवाइयों का असर भी है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसमें भी हमने पहले दवाइयाँ ही स्टार्ट करी, ऐसा कहीं नहीं था कि हमने दवाइयाँ नहीं स्टार्ट करी, पहले वैक्सीन बनाई। अगर आप देखो तो वैक्सीन हमारी सेकेंड वेव से पहले आई है, जो जनवरी फरवरी 2020 में स्टार्ट हुई है, तो पहले दवाइयाँ ही चली हैं। उसके साथ साथ जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो हमारे डॉक्टर थे, उस पर रिसर्च करते करते उन्होंने वैक्सीन को बनाया। तो देखिए, कोरोना की वजह से दुनिया में बहुत कुछ नया हुआ है, तरह तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम अनिवार्य कर दिए गए।
और अब बात आई वैक्सीनेशन की, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीमारी का इलाज पहले ढूंढा जाना जरूरी है या फिर वैक्सीन। इस सवाल के जवाब में दुनिया दो खेमों में अब बट गई है। कोरोना सबसे पहले आया तो लोगों में एक तरह के लक्षण आए जो आम सर्दी खांसी बुखार जैसे थे। कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो लोगों की शिकायत फेफड़े खराब होने की हो गई। काफी दिनों तक कोरोना के सारे लक्षण पता ही नहीं चले। इस दौरान हजारों लोगों की मौत हो गई। कोरोना के वेरिएंट बदलते रहे, बीमारी के लक्षण भी बदलते रहे। इसी दौरान शुरू हो गया कोरोना की वैक्सीन बनाने का सिलसिला। हालांकि इस दौरान ही कोरोना के लक्षणों का इलाज करने वाली दवाई भी कई तरह से ट्राई की गई। एक वक्त मलेरिया की दवा क्लोरोक्वीन को इसमें इफेक्टिव माना गया था। कुछ दिन बाद ही चार ड्रग्स के कॉकटेल से इलाज करने की कोशिश की गई। भारत में जब डेल्टा संक्रमण तेजी से फैला तो रेमडेसिविर नाम की एंटीवायरल दवा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, लेकिन किसी ने वैक्सीन के लेवल की तैयारी दवा बनाने को लेकर नहीं की। आखिर क्या रही इसकी वजह? कि अगर कोई भी मरीज आता है उसके सिम्टम विद इन 10 डेज के हैं, 10 दिन के अंदर अंदर के हैं, अगर आप उसको ड्रग को टाइमली उसको देते हो तो उससे क्या होता है, उस ड्रग जो बीमारी की सिकनेस कम हो जाती है, उसकी मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है और उसकी हॉस्पिटल स्टे भी कम होता है। बट अगर उन्हीं दवाइयों को हम 10 दिन के बाद दे रहे हैं, जब उसके बाद जब पूरी जो बीमारी है शरीर के अंदर फैल जाती है, तो तब कई बार इन दवाइयों का फिर असर उस तरीके से नहीं होता है जो इनिशियल टाइम में होता है। अब सवाल ये खड़ा होता है, आखिर इलाज ढूंढना ज्यादा सही है या वैक्सीन बनाने की कोशिश करना? तो इसके लिए समस्या की जड़ तक पहुँचने की जरूरत होगी। पहला चरण, बीमारी की पहचान। दूसरा चरण, लक्षणों का इलाज। तीसरा चरण, बीमारी से मुक्ति। चौथा चरण, वैक्सीन की तैयारी। पांचवां चरण, संक्रमण का सफाया। ये जो पांच चरण हमने आपके सामने रखे हैं, ये संक्रामक बीमारियों के मामले में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे जाना पहचाना और माना हुआ तरीका है। लेकिन कोरोना के केस में ये मामला पलट गया। पहला चरण, बीमारी की पहचान। दूसरा चरण, वैक्सीन का निर्माण। तीसरा चरण, इलाज की कोशिश। चौथा चरण, वैक्सीनेशन। और पांचवा चरण, हर्ड इम्यूनिटी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? तो इसका जवाब ये है कि हर्ड इम्यूनिटी संक्रमण की उस स्थिति को कहते हैं जब 90% से ज्यादा लोगों के अंदर वायरस को लेकर इम्यूनिटी या तो वैक्सीन या फिर संक्रमण की वजह से आ जाती है। लेकिन इसमें भी पेच है, और पेच ये है कि कोरोना जिस तरह से म्यूटेट यानी कि अपने जीनोम में बदलाव कर रहा है, उससे वैक्सीन भी बेअसर साबित हो रही है। इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है कि किसी भी देश के लिए क्या आसान और सस्ता विकल्प हो सकता है। बार बार वैक्सीन बनाना, उसे वेरिएंट के हिसाब से अपडेट करना, या फिर ऐसी बीमारी और इससे जुड़े लक्षणों का इलाज ढूंढना। अगर हम एक बीमारी की वैक्सीन बना के उस बीमारी की सिकनेस और कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकते हैं, तो इससे इटसेल्फ सजेस्ट करता है कि वो जो है उसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, एज कंपेयर कि एक बीमारी लग गई है। अब वो बंदे को मान लो पहले एक कोविड ही हुआ, कोविड से उसकी बॉडी इम्यूनिटी कम हुई तो बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई, जैसे आपने ब्लैक फंगस भी सुना था, फिर पेशेंट वेंटी पे चला गया, फिर सर्जरी चला गया। तो अगर हम ओवरऑल इन दोनों को कंपेरिजन करें तो ट्रीटमेंट इज मोर कॉस्टली एज कम्पेयर टू वैक्सीन। इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना के अब तक के वेरिएंट पर वैक्सीन कारगर दिखाई देती है, लेकिन अगर वेरिएंट्स बढ़ते जाएंगे तो सरकार कितनी बार लोगों के टीकाकरण और बूस्टर पर पैसे खर्च करती रहेगी? कोरोना की वैक्सीन रिसेंटली इन्वेंट हुई है तो लोग इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते उस पर, और मुझे लगता है पे कर तो वो बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। नहीं, जो और बीमारियां होती हैं सरकार उसके टीके लगा रही है क्या? ABP News आपको रखे आगे।